हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये पॉलिटी आपका भारतीय संविधान के दूसरा पार्ट है। कल के एक बार डल चुका है, सभी क्वेश्चन आपके आपके एग्ज़ाम में जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है यहां से जो कि पूछे गए हैं। तो यहां पे सारे जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, सारे जो क्वेश्चन हैं आपके पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसलिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस पर तैयार किए गए क्वेश्चन, सभी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बहुत ही। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट PCS हो, सेंट्रल को स्टेट हो, SSC CGL कोई भी एग्जाम हो, PSC व्यापम कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पॉलिटी की, जो कि सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर वगैरह कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन, देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन तक किए थे। तो मौलिक अधिकार इनमें से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं देता है? तो आपका हड़ताल करने का आज़ादी, विचार व्यक्त करने का आज़ादी, सी है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का आज़ादी, या डी है आपके धरना देने की आज़ादी। तो इसका ए ऑप्शन सही हूँ, जो मौलिक अधिकार में जो आपका हड़ताल करने की जो आज़ादी है, इसे स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जाता है। तो यह आपका 30 का इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो नागरिक है दावा नहीं कर सकता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का यहाँ पर भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं करता है, नहीं जो कि मुख्य रूप से नहीं कर सकता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों से संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, केशवानंद जो भारतीय वाद है, यह संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय आपके किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों को पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायालय द्वारा जारी किए परमादेश के माध्यम से न्यायालय आपका किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों व कर्तव्यों का पालन करने के लिए यहाँ पर जारी कर सकता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद आपके 37, 27 या 37 में। तो इसका बी ऑप्शन इसका आपका सही आंसर हो जाए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, अनुच्छेद 25 में। इस संविधान में अनुच्छेद में आपके अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो इसका अनुच्छेद 20 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, या डी है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। यह आपके जो अनुच्छेद 1 में यह अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो याद रखिए, इसका सूचना प्राप्त का जो अधिकार है अनुच्छेद 1(d) को और अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो इसका 38 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के निम्नलिखित कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? तो आपके हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, आपका सर्टी ओरेरी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए इसमें कौन से रिट याचिका दायर की जा सकती थी? हैबियस कॉर्पस, जो कि दायर याचिका द्वारा किया जा सकता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षक अधिकार कब जोड़ा गया था? तो आपका 1 अप्रैल 2010 में, 1 अगस्त 2010 में, 1 अक्टूबर 2010 में, या डी है 1 दिसंबर 2010 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 में। इस भारतीय संविधान में संशोधन करके 1 अप्रैल 2010 में शिक्षक अधिकार जोड़ा गया था। याद रखिएगा डाटा को, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी न्यायालय अथवा न्यायिक न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित कौन सी रिट जारी की जाती है? तो आपका परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पीछा, या डी है आपका उत्प्रेषण या प्रतिज्ञाकरण समादेश जारी करने का विधि। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका उत्प्रेषण या प्रतिज्ञाकरण समादेश जारी करने का अधिकार यह न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए यह रिट
जारी करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 41 का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अंतर्गत बंदी कर किसमें निहित होती है? तो आपके केवल न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय में, या उच्चतम और आपका उच्चतम न्यायालय दोनों में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, इसका आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में आपके संविधान के इसके अंतर्गत बंदी कर इसमें निहित होती है। तो इसका आपका 42 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में क्या व्यवस्था किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक समानता का इसमें व्यवस्था का जो कि बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में, यह व्यवस्था किया है कि सामाजिक की समानता इसमें बताया गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए, 43 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और सी है प्राण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, इनमें से जो मूल अधिकार में जो विदेशी नागरिकों यह अधिकार प्राप्त नहीं, तो कौन सा प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपके विदेशी जो इन लोगों को इसका अधिकार प्राप्त नहीं है विदेशी नागरिकों को। तो इसका 44 का 100 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या जो कि समिति नहीं किया जा सकता है, समाप्त या इसको समाप्त रूप से नहीं किया जा सकता है, या इसको जो कि पूरी तरीके से इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो देश के किसी भाग में निवास बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, या डी है आपका वृत्ति या उपजीविता के स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से यह जो अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा आपका जीवन का जो अधिकार है यह आपके राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या इसको सीमित रहता है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका बी ऑप्शन 45 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का संविधान इस प्रकार प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में बताया गया है कि इसमें आपका भारत का संविधान इस प्रकार प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यहाँ आज़ादी का अंतर्निहित है। तो इसका अनुच्छेद 19(1) में यहाँ बताया गया है। तो इसका 46 के ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके अक्सर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 32 में? तो आपको इसका डी ऑप्शन से हूँ, जो अनुच्छेद 32 में यह बताया गया है, इसमें अनुच्छेद में 32 में कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है आपके अनुच्छेद 32 का। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 47 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तो यह अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी मस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा, आपका 48 क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किसमें बताया गया है? तो यहाँ किस कौन सा अधिकार है? तो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह सम्मिलित किया गया है, या बी है मूल अधिकार है, या संवैधानिक अधिकार है, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी बच्चों को चाहे 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको, या 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो कि शिक्षा का अधिकार इसमें बताया गया, सभी बच्चे शिक्षा का अधिकार है, यह आपके मूल अधिकार है, तो सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, उनका मूल अधिकार है। तो यह आपका मूल अधिकार है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 48 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा या संसद? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है किसमें सक्षम होता है? तो आपका संसद को यह सक्षम होता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन आपका संसद कर सकता है, जो कि उन लोग सक्षम होते हैं। तो इसका 49 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हमारा, किसी कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है? तो परमादेश और आपका बी है बंदी प्रतीक्षाकरण,
अधिकार पिछा या उत्प्रेषण, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी कैदी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रिट की आवश्यकता होती है, तो बंदी प्रतीक्षकरण की रिट किसकी आवश्यकता होती है सक्षम जो कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, तो याद रखिए बंदी प्रतीक्षकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या आपका मकान का अधिकार, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार यहाँ आपके अंतर्गत मौलिक अधिकार है, तो आपका शिक्षा का अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका 51 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेद के अंतर्गत साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 और तथा आपके अनुच्छेद 16 में यह बताया गया है। इसमें बताया कि सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 में आपके समाजवाद शब्द को इसमें जो कि बताया गया है अनुच्छेद आपके 14 और 16 में इसके साथ जो कि के समान कार्य के लिए समान वेतन इसमें मौलिक अधिकार से परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो अनुच्छेद 14 और 16 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 9 माह के लिए, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 माह के लिए आपका जो प्रत्यक्ष जो बंदीकरण है इसके अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी उसको बनाया जा सकता है, केवल मात्र आपको 3 माह के लिए इसको बनाया जा सकता है याद रखिएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है, तो अनुच्छेद 20 आपके 3 में या अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 74 में या अनुच्छेद 22 में, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ अनुच्छेद 20 3 में। यह बताया गया कि किसी भी अपराध के अभिव्यक्ति जो स्वयं विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकते भारतीय संविधान के आपके अनुच्छेद 20 3 में यह प्रावधान किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, तो परमादेश, बंदी प्रतीक्षकरण, उत्प्रेषण या प्रतिषेध, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बंदी प्रतीक्षकरण। यह जो प्रलेख है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है आपका बंदी प्रतीक्षकरण को, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आपके आयरलैंड के संविधान से प्राप्त होती है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें यहाँ से मिलती है, तो आयरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण या डी है पुरुषों और स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन हो, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह निहित है कि आपके जो पुरुष और जो स्त्री हैं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन यह लागू किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में यह बताया गया है, तो इसमें एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए इसमें निर्देशित करता है अनुच्छेद 40 में यह बताया गया है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए इसमें निर्देश करता है अनुच्छेद 40 में, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको अक्सर रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को। इसका मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या चुनाव आयोग अधिनियम के द्वारा, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भारत में इसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ते थे आपके इम्पोर्टेंट कुछ पॉलिटी से क्वेश्चन संविधान से जो आपके अक्सर रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को, तो इसलिए सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे SSC, रेलवे, UPSC, बैंक, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बार बार देखिए वीडियो को ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएँ। तो चलिए बस आज के लिए इतने, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।